हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। आज हम यहां पे एक्सट्रीम लेवल बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूअसली पबजी प्ले करके 9 डिफरेंट डिवाइसों के बीच में। तो यहां पे हम जो पबजी प्ले कर रहे हैं वो कोरियन वर्जन है, जिसे डेवलप और पब्लिश ब्लू होल की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने किया था, यानी कि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं था। जैसा कि पबजी पीसी में है, वैसे ही यहां पे पबजी केआर या पबजी कोरियन है। तो आज हम यहां पे जो डिवाइस यूज कर रहे हैं वो है रियलमी 7 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी M51, रियलमी 7, वन प्लस नॉर्ड, पोको X2, Redmi Note 9 Pro Max, पोको M2 Pro, Moto One, Fusion Plus और Samsung Galaxy M31s। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इन सारे डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया, यानी कि आप देख सकते हैं सभी में 100% बैटरी कैपेसिटी थी। चार्जिंग हमने सभी को एक साथ निकाला था। उसके बाद मोबाइल की पोजीशन को अरेंज कर रहे थे, तो कुछ डिवाइस यहाँ पे 99% हो गए थे, यानी कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे हमने स्टार्ट किया है, मोबाइल अरेंज कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने सारे डिवाइसों की ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी, एक्स्ट्रा आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ करके हम सेम नेटवर्क से कनेक्ट करके ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो वेदर कंडीशन काफी लो हो चुकी है, इसलिए टेम्परेचर किसी का भी ज्यादा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है हमें किसी भी टेस्ट में। इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर अगर किसी डिवाइस का ज्यादा जाता है तो ही बताएंगे, अगर नॉर्मल रहता है तो बताने की जरूरत नहीं है उसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काउंटर दो अलग अलग डिवाइस में स्टार्ट किया है, एक तो मेन डिवाइस में चल रहा है, इसके अलावा हमने यहाँ पे आईपैड में भी काउंटर ऑन कर दिया है, जिससे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सेकेंडरी काउंटर का यूज कर सके। लेकिन तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे डिवाइसों को अरेंज कर दिया था, गेमिंग ऑन कर दी थी। लेकिन यहाँ पे अगर ग्राफिक सेटिंग्स हम आपको चेक करा दें, सैमसंग गैलेक्सी M31s और वन प्लस नॉट, ये दो ऐसे डिवाइस थे जिनमें आपको HDR के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता हुआ नजर आ रहा था और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का भी ऑप्शन इनमें आपको देखने को मिल रहा था। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे M31s की बात करें तो Exynos 9611 जो इन सारे मोबाइलों में सबसे वीक प्रोसेसर, जिसका GPU सबसे वीक है, उसके बाद भी इसमें HDR एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी बचे हुए सारे डिवाइसों में आपको HD हाई तक का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर स्मूथ के साथ की बात करें तो स्मूथ के साथ अल्ट्रा आपको लगभग हर एक डिवाइस में मिल रहा है। दो ऐसे डिवाइस है जिसमें स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है, जो वन प्लस नॉट है और सैमसंग गैलेक्सी M31s है। तो सैमसंग गैलेक्सी M31s का प्रोसेसर बहुत वीक है, उसके बाद भी इसमें आपको ग्राफिक सेटिंग हाई मिलती है जो उतनी अच्छी नहीं चलती है। तो भी हम यहाँ पे जो ग्राफिक सेटिंग सारे डिवाइसों में रख रहे हैं वो स्मूथ के साथ अल्ट्रा है और कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे गेम को स्टॉप होने नहीं दे रहे, कंटिन्यूअसली स्क्रीन को बिना बंद किए हम गेम प्ले करते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आप सारे डिवाइसों का बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो कर रहे हैं, तो बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करने से पहले हम आपको एक पॉइंट और बता दें कि जिन डिवाइसों में 90Hz या 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है उसे हमने 60 कर दिया, उसके बाद पूरा टेस्ट किया है। तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला है पोको X2, 5/36 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है और कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, जबकि इसके लगभग 48 मिनट बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है, जो है Realme 7। Realme 7 में आपको 90Hz का LCD पैनल लगा मिलता है, जिसे हमने 60 कर दिया था, उसके बाद गेम प्ले कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको MediaTek Helio G95 लगा मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी रही, लेकिन बैटरी बैकअप 6/24 मिनट का, जो कि हम बोल सकते हैं काफी अच्छा बैटरी बैकअप रहा कंटिन्यूअसली गेमिंग के ड्यूरेशन में, और गेम भी काफी अच्छा चलता हुआ नजर आया। Realme 7 के लगभग 11 मिनट के बाद ही Redmi Note 9 Pro Max भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ये 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला मोबाइल है। 6/33 मिनट में Redmi Note 9 Pro Max कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, और Redmi Note 9 Pro Max के लगभग 23 मिनट के बाद ही Moto One Fusion Plus भी डिस्चार्ज हो गया 6/56 मिनट में। 1000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल, लेकिन Moto One Fusion Plus में आप देख सकते हैं 23 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप मिला, जबकि Moto One Fusion Plus के लगभग 8 मिनट के बाद ही OnePlus Nord भी कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया। आप देख सकते हैं OnePlus Nord का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हमें मिलता हुआ नजर आया, जिसने 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाली डिवाइसों को काफ़ी मार्जिन से हरा दिया है। और OnePlus Nord के लगभग 1 मिनट के बाद ही या कुछ सेकंड्स के बाद ही Poco M2 Pro भी कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया, 7/5 मिनट का बैटरी बैकअप मिला है Poco M2 Pro का, यानी कि सेम बैटरी कैपेसिटी सेम प्रोसेसर होने के बाद भी Poco M2 Pro और Note 9 Pro Max के बीच में हमें लगभग 32 मिनट का डिफरेंस देखने को मिला है, आप देख सकते हैं बैटरी बैकअप में। और हमारे पास जो फाइनल मोबाइल्स बचे हैं वो Realme 7 Pro, Samsung Galaxy M31s और Samsung M51 है।
देखा जाए तो सैमसंग M51 में 7000mAh बैटरी कैपेसिटी है, M31S में 6000mAh बैटरी कैपेसिटी है, Realme 7 Pro में 4500mAh बैटरी कैपेसिटी है। यानी कि आप देख सकते हैं तीनों में जो बैटरी कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। उसके बाद भी इन तीनों में जो पहले डिस्चार्ज हुआ वो था Realme 7 Pro, 8 hour 18 minute का बैटरी बैकअप दिया है Realme 7 Pro ने। और देखा जाए तो बाकी बचे हुए सारे डिवाइसों से अगर सैमसंग के डिवाइस छोड़ दे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, गेम काफी अच्छा चला, काफी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी है। यानी कि हमें ओवरऑल काफी मजा आया Realme 7 Pro में गेमिंग करते हुए, मोबाइल इतना हीट भी नहीं हो रहा था और काफी अच्छा चल रहा था, 8 hour 18 minute का बैटरी बैकअप दिया है। जबकि इसके लगभग 1 hour 29 minute के बाद सैमसंग गैलेक्सी M31S भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, 9 hour 47 minute के आसपास इसका चार्जिंग टाइम आया था। और हमारे इस टेस्ट का जो क्लियर विनर रहा वो सैमसंग गैलेक्सी M51 ही है, 7000mAh बैटरी कैपेसिटी, स्नैपड्रैगन 730G है, गेम काफी अच्छा चल रहा है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, डिस्प्ले साइज भी बढ़ गया है, काफी मजा आ रहा, थोड़ा बल्की फोन है लेकिन उसके बाद भी मजा आया काफी चलाने में M51 को। और इसने 12 hour 12 minute का बैटरी बैकअप दिया, यानी कि M31S से लगभग 2 hour 25 minute का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है। यानी बैटरी बैकअप के मामले में अब तक का हमारा सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देने वाला मोबाइल बन चुका है M51 PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट में। यानी कि 10 आवर तक तो हमारा आया था M31S का ही आया था, लेकिन इनके प्रोसेसर वीक होने के कारण गेमिंग अच्छी नहीं रहती थी, इसीलिए हम साफ साफ मना कर देते थे कि M31S में गेमिंग अच्छी नहीं है, बैटरी बैकअप जरूर है या M31 में, लेकिन M51 में गेमिंग भी अच्छी है, इसके साथ साथ यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल M51 काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे Realme 7 Pro की बात करें तो इसने 8 आवर का बैटरी बैकअप दिया, उसके बाद ये चार्ज भी काफी जल्दी होता है और बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, इसीलिए हमारे हिसाब से Realme 7 Pro भी क्लियर विनर रहा। सैमसंग गैलेक्सी M51 तो काफी मार्जिन से विनर रहा, OnePlus Nord ने काफी अच्छा यहाँ बैटरी बैकअप दिया, Poco M2 Pro, Moto One Vision Plus, यानी कि यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था। आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DYG वर्ल्ड।